अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज मैं आपके साथ राजस्थान की फेमस मावा कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मिठाई बहुत ही बड़ी साइज़ की होती है। वो लोग बड़ी कचौरी बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी साइज़ छोटी रखे हैं कि एक आदमी एक आराम से खा सके। ये मावा कचौरी बहुत ही क्रिस्पी, यम्मी और टेस्टी होती है। तो देखते हैं इसका बनाने का तरीका। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मावा ले लिया है, तो मैं यहाँ पर पैन गरम कर लूँगी और ये 150 ग्राम मावा मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर हमें कोई घी और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और हम इसे चलाते रहेंगे लगातार। इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, ये फ्रीज में था इसीलिए। तो हम इसे इस तरह से फोड़ देंगे। तो देखिए बहुत जल्द मेल्ट हो गया है और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है, तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। और यहाँ पर दो चुटकी मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे मावे में। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। हमें इसे गोल्डन होने तक इस तरह से पकाना है, तो ये हमारी कचौरी ज़्यादा दिनों तक अच्छी रहेगी। अब मावे को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अब हम इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। तो यहाँ पर हमें चाशनी बनाना है। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में आधी कटोरी मैंने शक्कर ले ली थी और यहाँ पर आधा कटोरी ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर चुटकी भर मैं इसमें सैफ्रन डाल दूँगी कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और दो चुटकी इसमें मैं इलायची पाउडर भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं आधा चम्मच गुलाब जल डाल दूँगी, यहाँ पर गुलाब का पानी है। तो इससे हमारी चाशनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, एक तार की चाशनी हमें सिर्फ इसे शक्कर पिघलने तक पकाना है। और उसके बाद हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाशनी को ठंडा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी नमक ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच घी। तो ये छोटा चम्मच है, हमारी मैदे की क्वांटिटी कम है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर घी लिया है। तो 4 चम्मच घी हम ला लेंगे इसमें और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ड्राई मिक्स अच्छे से। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया और इस तरह से मुट्ठी में बनने लगा है। तो अब हम इसे पानी से गूंद लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे गूंदना है और इसका डो बनाना है हमें। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंदेंगे। यहाँ पर हमें हार्ड डो नहीं चाहिए, मीडियम डो चाहिए, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं वैसा ही। तो इसे हम अच्छे से मुक्की लगाकर हम इसे गूंद लेंगे। और देखिए हमारा डो इस तरह का है, नॉर्मल। और अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ढककर रख देंगे हम इसे। और हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा ये मावा जो है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो देखिए इस तरह से हम इसे छुड़ा लेंगे, ये एकदम दानेदार, एकदम भुरभुरा सा हो गया है। हम इसे चम्मच से दबा दबा कर इस तरह से फोड़ लेंगे। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर है, इतना अच्छा टेक्सचर इसका आया है और एकदम दानेदार मावा तैयार हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जब हमारा मावा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच शुगर पाउडर। तो यहाँ पर हमें पाउडर शुगर डालना है, शक्कर नहीं डालनी है। और जब मावा एकदम ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर शक्कर की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो और ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आटा देख लेते हैं। तो हमारा ये डो परफेक्ट तैयार हो गया है, इसे हम एक बार फिर से मुक्की लगा देंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे मैंने एक बार फिर से गूंद लिया है और अब हम इसे बोर्ड पर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे एक लंबा में इसे रोल कर लूँगी और इसे मैं छुरी से कट कर लूँगी इक्वल हिस्सों में। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी कचौरी बनाऊंगी, आप चाहे तो यहाँ पर बड़ी कचौरी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी साइज़ की कचौरी बनानी है इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इसके। तो अब मैं इसे इसके पेड़े बना लूँगी सारे।
तो इस तरह से मैं इसे एकदम प्लेन और चिकना कर लूँगी हाथों से, और इसका पेड़ा बना लेंगे हम, सारे पेड़े बना लेंगे। तो ये सारे पेड़े बन गए हैं, अब मैं सारे पेड़ों को रख दूँगी अलग हटाकर, वरना ये सूख जाएंगे। और इसमें से मैं एक पेड़ा उठाऊँगी और उसे इस तरह से उंगलियों की मदद से हम इसे फैला लेंगे। तो हमें इसे यहाँ पर सूखा आटा नहीं डालना है, जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें ये हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा फैला लेना है। और ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे, और बीच का हिस्सा हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, और साइड का हिस्सा जो है वो उसे हम पतला करेंगे दबा दबा कर। और अब हम यहाँ पर स्टफिंग डालेंगे अपनी मावे की। तो यहाँ पर मैंने, हमारी कचौरी छोटी है इसलिए मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर स्टफिंग डालूँगी। तो इसे हम मावे को अच्छे से दबा लेंगे पहले, और फिर यहाँ पर हम इसे इस तरह से इसे लॉक करते जाएंगे इस तरह से शेप में, इस तरह से हम इसे कचौरी को शेप में लेके आएंगे, और यहाँ पर हम इसे दबाकर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पर दबा देंगे कि हमारी कचौरी तेल में जाने के बाद खुले नहीं, वरना हमारा तेल भी ख़राब हो जाएगा और हमारी कचौरी भी ख़राब हो जाएगी, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक पेड़ा ही बन गया है मेरा, और इसी तरह से दूसरा भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा रखना है, और साइड के हिस्से को, किनारों को हमें थोड़ा पतला रखना है, और हम इसमें स्टफिंग भरेंगे 1 से 1.5 चम्मच, और स्टफिंग को हम अच्छे से उंगलियों की मदद से हम इसे दबा देंगे, और फिर इसे हम इस तरह से लॉक करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे एंड में से लॉक कर लेंगे, और इसे अच्छे से दबा देंगे। तो हमारी दूसरी कचौरी भी तैयार है। और अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा डर है कि कहीं हमारी कचौरी खुल ना जाए तेल में जाने के बाद, तो यहाँ पर आप इस पर थोड़ा सा साइड में पानी भी लगा सकते हैं, और पानी लगाने के बाद इसे आप चिपका दीजिए, तो आपकी कचौरी बिल्कुल नहीं खुलेगी तेल में। आप इस तरह से कर लीजिए। तो ये हमारी कचौरी तैयार है। इस तरह से हम सारी कचौरी तैयार कर लेंगे अपनी, और इसको हम बीच में से इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे हाथों से उंगलियों की मदद से। इस तरह से हमारा अंदर जो मावे की स्टफिंग है वो अच्छे से सब तरफ फैल जाएगी। तो ये हमारी कचौरी तैयार है। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे कचौरी को, बीच में से दबा देंगे हम थोड़ा सा, ताकि हमारा मावा अंदर फैल जाए सब तरफ। तो इस तरह से बीच में से हम थोड़ा सा चपटा कर देंगे, और ये हमारी रेडी है फ्राई करने के लिए। तो हम यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल को खूब तेज़ गर्म कर लिया था, और जब हम इसे डालेंगे तेल में तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बार में फ्राई करूँगी। 1 बार में मैंने 4 कचौरी डाल दी है इसमें, और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम है ना मीडियम कर दिया है, और इसे हम, ये देखिए डालने के बाद ही ये अच्छे से फूल जाती है एकदम। तो हम इसे एक बार पलट लेंगे, और दोनों साइड से हम थोड़ा से इसे फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पूरी तरह से नहीं फ्राई करना है अभी, और इसे हम निकाल लेंगे। हाफ फ्राई करेंगे हम इसे, और इसे निकाल लेंगे पहले हम प्लेट में। और इसी तरह से हमारी दूसरी वाली जो 4 है उसे भी हम इसी तरह से हाफ फ्राई करके निकाल लेंगे। आप इसे हाफ फ्राई करके रख सकते हैं, और बाद में जब इसे सर्व करना हो आपको तो आप इसे दोबारा से इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, तो यहाँ पर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कचौरी को फ्राई करना है। तो देखिए ये इसे हम अब गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे, और इसे हम उलटते पलटते रहेंगे। तो हम इसे 2 से 3 बार उलट पलट करेंगे गोल्डन होने तक। तो आप केयरफुली कीजिएगा कहीं ये खुलने जाए, और अगर ये खुल जाए बीच में से तो हम जो कचौरी हमारी खुल गई है उसे हम निकाल कर अलग कर देंगे, वरना हमारा पूरा ऑयल ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन, और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, और इसी तरीके से मैं दूसरे वाले भी जो है उसे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत ही क्रिस्पी कचौरी हमारी बनी है। अब हम इसे
एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में सारी कचौरी को यहाँ पर रख देंगे हम, और यहाँ पर हमें इसे इसमें बीच में से इस तरह से होल करना है। तो मैंने यहाँ पर नोज़ल ले लिया है, मैंने उसकी मदद से मैं यहाँ पर बीच में इसमें होल कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप हमारी मावा कचौरी कितनी क्रिस्पी हुई है। इसी तरह से हम सारे कचौरी में हमने होल कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना शुगर सिरप। तो इस पर से हम इस तरह से चाशनी पोर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मावा कचौरी की साइज़ छोटी है, मगर हमारी मावा कचौरी सेम उसी तरह की बनी थी। उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग, सेम उसी राजस्थान की जो मिठाई होती है सेम उसकी तरह था। तो आप इस तरह से त्यौहारों में इस तरह से घर में बनाएं। होली का त्यौहार है अभी और रमज़ान महीना भी आ रहा है, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मैं यहाँ पर गार्निश करूँगी चॉप पिस्ता से और कुछ सूखे हुए गुलाब की पत्तियों से मैं यहाँ पर इसका डेकोरेट करूँगी। और यहाँ पर जो हमने अपनी चाशनी में इलायची और रोज़ वाटर डाला था और यहाँ पर रोज़ पीटल, इसकी वजह से हमारा टेस्ट और जो इसकी खुशबू है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लाजवाब थी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, एक मैं बीच में से आपको काट कर दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी भी है ये। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। पार्ले जी बिस्किट तो हम खाते ही रहते हैं, इसे हम चाय में डुबाकर खाते हैं, वैसे ही खाते हैं, बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आज मैं इसी पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में घी गरम कर लिया है। अब ये जो पार्ले बिस्किट है ना, तो हम इसे इसमें पैन में डाल देंगे, घी में एक एक करके जितनी पैन में जगह है हम उतना बिस्किट इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी से ये गोल्डन हो जाते हैं और ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं तेल में जाने के बाद। तो इसे बहुत ही केयरफुली इसे पलटिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड्स में ही ये अच्छे से लाल हो गए हैं, तो मैं इसे पलट लूँगी और इसे हम सारा पलट लेंगे, और जब दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाए अच्छा तो इसे निकाल लेना है। अभी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे बिस्किट जो हैं फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, और अब ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। तो अब इसे देखिए मैं तोड़ लेती हूँ। इसे हमें टुकड़े कर लेने हैं इसके। अब इसके टुकड़े हो गए हैं, अब हम इस एक मिक्सर जार लेंगे और ये सारे पीसेस टुकड़े जो हैं हम इसमें मिक्सर जार में डाल देंगे। ये सारा मिक्सर जार में डालने के बाद हम इसे मिक्सर जार में डाल के घुमा लेंगे, एक बार इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में इसलिए हो गया है कि इसमें हमने जो घी था घी में फ्राई किया था, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 पार्ले जी का पैकेट लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर 10% डिस्काउंट में था तो बहुत ज़्यादा बिस्किट हो गए थे, तो मैंने सिर्फ 2 ही बिस्किट पैकेट का यूज़ किया है। अब यहाँ पर उसी पैन को हम गरम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच शक्कर। बड़ा चम्मच अगर लेंगे तो आप ये 2 चम्मच शक्कर होगी, मैंने छोटे चम्मच से लिया है तो ये 4 चम्मच है। और आधा कप ही हम यहाँ पर डाल देंगे मिल्क पाउडर, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया है वो डाल देंगे हम इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। तो यहाँ पर हम स्वीट बनाने वाले हैं बिस्किट से, तो बिस्किट में स्वीट में अगर हम मावा नहीं डालेंगे या मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। वैसे तो आप इसे मिल्क पाउडर के बगैर भी बना सकते हैं, मगर ये मिल्क पाउडर से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें ये जो हमने बिस्किट को पीस कर रखा है वो इसमें डाल देंगे हम।
तो सारा इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे चलाते जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होने लगेगा, बहुत जल्दी से ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा। बिस्किट जो है दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये देखिए बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो गया। हमें मिक्स करना है इसे, जल्दी जल्दी से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट में ही इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है एकदम सा। इसे हम अच्छे से ऊपर नीचे करते जाएंगे और ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसने घी भी छोड़ दिया है और ये डो फॉर्म में आ गया है। हमारा ये मिक्सचर रेडी है, बस हमें इतना ही पकाना है इसे। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम इसे जमाना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का मोल्ड ले लिया, डब्बा ले लिया है, आप किसी भी बर्तन में इसे जमा सकते हैं। तो पहले इसे ग्रीस कर लिया है मैंने, घी से इसे ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम सारा जो मिक्सचर है ये डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम अच्छे से दबा दबा कर स्पैटुला की मदद से हम इसे अच्छे से दबाएंगे और इसे सेट कर देंगे। इसे अच्छे से दबा दबा कर हमने सेट कर लिया है और ये देखिए अच्छा सा चिकना सा हो गया है ये। तो जब आप प्लास्टिक के मोल्ड में आप जमा रहे हैं तो इसे पहले थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दें, उसके बाद प्लास्टिक के मोल्ड में डालिएगा। अब इसे गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर बादाम को बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। इस स्पैटुला से इसे अच्छे से हम दबा देंगे कि ये अंदर चिपक जाए अच्छे से इसमें। ये अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसे इसी तरह से सेट होने के लिए रख देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 से 2 घंटा हम इसे ठंडा कर देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रखकर 10 मिनट में जमा सकते हैं। मैंने इसे इसी तरह से रख दिया था तो 1 घंटे बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है, अच्छे से जम गया है। इसे अब एक प्लेट में निकाल लेना है। तो मैंने इसे एक प्लेट में पलट दिया है और इसे अब हम सीधा कर लेंगे और इसे कट कर लेते हैं हम। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर है इसका। और आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये मिठाई जो है पार्ले जी बिस्किट से बनाई है। इसे हम कट कर लेंगे पीसेस में, इसे आप अपने मनचाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो सिर्फ 20 रुपये के बिस्किट से हमने इतनी अच्छी मिठाई बना ली है। इसे आप फ्रिज के अंदर रख के 1 हफ्ते तक खा सकते हैं और फ्रिज के बाहर भी इसे आप रख कर 3 दिन तक खा सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने को मन कहे तो आप ये फटाफट से बना सकते हैं, बहुत ही सस्ते में और बहुत ही डिलीशियस मिठाई बन जाती है। और जब भी आप ये बनाएंगे किसी को खिलाएंगे तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये पार्ले जी बिस्किट से बनाई है। मेरे घर में भी ये किसी ने नहीं पहचान पाया था कि मैंने मिठाई किस तरह से बनाई है। हमारी बिस्किट की मिठाई रेडी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी बनी है हमारी स्वीट। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊँगी कि बेसन की बर्फ़ी को हम कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने ना कोई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही दूध का, ना खोए का, फिर भी हमारी ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 कप बेसन। तो बेसन को हमें छान लेना है। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट इसे पैन में ही इसे छलने रख कर इस तरह से छान लूँगी। तो ये देखिए बेसन में गुठलियाँ होती है कभी कभी, तो इसे हम छान लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेसन को मैंने छान लिया है। तो ये 1 कप बेसन है, इसे हमें पहले रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर साथ ही मैंने 1 कप मैदा भी लिया है, 1 कप बेसन और 1 कप मैदा लिया है मैंने। इसे भी हम छान लेंगे। तो छानने से ये बहुत ही अच्छा मुलायम सा, इसका चिकना सा ये जो आटा मिलता है हमको, इसे पहले हम रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर।
अभी हमने इसमें घी नहीं डाला है, इसे हम पहले रोस्ट कर लेंगे। तो हम पहले से रोस्ट करेंगे, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाएगा ना, तो बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी बर्फ़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर एक कप घी ले लिया है, मगर हम इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले 4 से 5 चम्मच घी यहाँ पर डाल दिया है इसमें, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और जो इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ लग रही हैं इसे हम इस तरह से फोड़ लेंगे। घी डालने के बाद इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इस तरह से स्पैटुला से हम दबा कर इसे फोड़ लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी घी हम और ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालेंगे। बेसन घी एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर हम डालेंगे। इस तरह से डालना है हमें, तो इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें ये सारा काम करना है। हाई फ्लेम पर ये काम नहीं करना है, वरना बेसन जो है वो जल जाएगा। तो ये देखिए अच्छा सा भून लिया है मैंने, और अब इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, लेकिन सारा घी मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा सा घी मैंने यहाँ पर बचा लिया है। घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना, तो इसे भी हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप घी एकदम परफेक्ट है, इसे हम घी के साथ अब अच्छे से भूनना है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा घी बचा लिया है, टोटल हमें 1.25 कप ही घी लगा। तो आप ये याद रखिएगा कि 1 कप हमने बेसन लिया है और 1 कप मैदा और 1.25 कप हमने घी लिया है। अगर आप मैदा ना लेना चाहें तो आप 2 कप बेसन भी ले सकते हैं और डायरेक्ट आप सिर्फ बेसन की बर्फ़ी बना लें। तो ये देखिए हम इसे भूनते जाएंगे, भूनते भूनते ये इतना अच्छा इसका कलर आ जाएगा और ये एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा ये बैटर। तो इस तरह से आपको लगे जब, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर को मैंने बहुत ही फाइन पाउडर में पीस लिया है, इसे एकदम फाइन पाउडर में पीसना है हमें इसे। और आपको है ना 1.25 कप शक्कर लेना है, पीसने के बाद वो एक हो जाती है, और अगर आप डायरेक्ट शक्कर का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए पहले थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया है, लेकिन जैसे ही शक्कर मेल्ट होगी तो ये अच्छा सा ऐसा हो जाएगा इस फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमने ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पर इसे जमाने के लिए मैंने 1 प्लेट को पहले ही ग्रीस कर लिया था, तो हमें इसे ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेना है, लेकिन हमें हमेशा रिफाइन ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। मिठाई जब भी हम बनाते हैं तो हमें रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल करना है, वरना मिठाई घी के साथ ही अच्छी लगती है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं। इसे अच्छे से लेवल कर देंगे, तो ये देखिए अच्छे से लेवल हो चुका है। इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पिस्ते को बारीक कट कर लिया है और इस तरह से ऊपर से डाल देंगे हम। तो आप इसे अपनी पसंद से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे दबा देंगे और इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए। ये 1 घंटे में आधे घंटे में ही अच्छे से सेट हो जाएगी, फिर इसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई शुगर सिरप नहीं बनाया डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाई है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको एकदम ये जो बर्फ़ी में ना एकदम सोन पापड़ी का टेस्ट आएगा। इस तरह से आप ज़रूर बना कर देखें। इसे मैं इस तरह से स्क्वायर के पीसेस में कट कर लूँगी, इसे आप कतली के शेप में भी कट कर सकते हैं। अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये हमने इसे ग्रीस किया था प्लेट को, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी ये। यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है और इसे प्लेट में सजा लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बर्फ़ी हमारी बनी है, आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। बर्फ़ी बनाते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने जब इसे भुनना है तो इसके हमें भुनाई मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करनी है। इसमें जब तक अच्छे से खुशबू ना आने लगे तब तक हमें इसे भुनना है। बेसन की बर्फ़ी को आप चाशनी में भी बना सकते हैं, तो उसमें चाशनी में बनाने से ये और फूल जाती है। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी थी। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।
आज मैं आपके साथ इंस्टेंट डोडा बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आपको गेहूं को 2 दिन के लिए अंकुरित करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे हम गेहूं के दलिये से बनाएंगे। कम मेहनत और कम वक्त में बिल्कुल वैसी ही डोडा बर्फी हम तैयार करेंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है मैंने गेहूं का दलिया ले लिया है, जो एकदम बारीक वाला दलिया होता है वो लेना है। तो इसे हमने पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। तो इसे हम चलाते रहेंगे और इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 लीटर दूध। तो आधा कप हमने यहाँ पर 3/4 कप लिया था हमने दलिया, और उसमें हमने 1 लीटर दूध ऐड करना है। और दूध डालने के बाद में हमें इसे, मैंने यहाँ पर पहले ही बॉईल किया हुआ दूध इसमें ऐड किया था। अगर आपने इस तरह से दूध डालेंगे तो इसे चलाते रहना है दूध को बॉईल होने तक। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना दही। दही डालने से क्या होगा, हमारा ये जो दूध है तो ये थोड़ा सा कर्डल हो जाएगा, और हमें ऐसा ही चाहिए, हमें दूध को कर्डल करना है। तो थोड़ा सा ये फटाफटा सा लगेगा और छेना जैसा इसमें दिखने लगेगा। तो इसे हमें चलाते रहना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो इस तरह से छेने की तरह फटाफटा सा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है, लेकिन हम इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें घी को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड किया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप ही शक्कर डाल दी है। तो जितना हमने यहाँ पर दलिया लिया था उतनी ही हमें शक्कर ऐड करनी है, और अच्छे से इसे चलाते रहेंगे हम। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि ये जो दलिया है इसे अच्छी तरह से कुक होना है, अच्छी तरह से पकना है। जब ये अच्छे तरह से गल जाएगा तो ही ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब यहाँ पर इसको हमने अच्छा सा कलर देने के लिए, जैसा कि हलवाई का कलर होता है डोडा बर्फी का ब्राउन जैसा, तो हमने वैसा कलर देने के लिए 1 चम्मच कोको पाउडर लिया है, और उसे मैंने पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे मैंने रख दिया है। अभी हमें इसे इसमें मिक्स करना है। तो अब इस तरह से मैंने ये देखिए बना लिया है, लेकिन इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा 2-2 चम्मच करके डालेंगे, वरना एक साथ में ही इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और चेक करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें 2 ड्रॉप रेड फूड कलर भी डाल दिया है, जेल कलर मैंने इसमें डाला है। और इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे हम और देखेंगे इसका कलर कैसा बनता है। तो आप देख सकते हैं अभी इसका कलर बहुत ही लाइट लग रहा है हमें, तो इसमें 2 चम्मच मैं और ऐड करूँगी। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बचा लिया है, और हम देखते हैं पहले चलाकर मिक्स करके कि इसका कलर कैसा आता है। इसे हमें चलाते रहना है। तो कलर थोड़ा सा लाइट था, तो मैंने इसमें सारा जो मिक्सचर था हमारा कोको पाउडर का, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसका देखिए अब बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। लगातार हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेंगे। और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब इसमें अच्छे से टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, कोकोनट का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम बाज़ार वाली बर्फी जैसा टेस्ट आएगा। और मावे जैसा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर डालने से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये बर्फ़ी। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इसे। और अभी ये देखिए हमारा जो यहाँ पर है दलिया अच्छे से गल चुका है, क्योंकि मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाया है। तो दलिया गल चुका है, लेकिन हमें इसे भी सुखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी और ऐड किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे और फिर इसे हम सुखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉप बादाम भी इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मैंने थोड़ा सा घी अभी बचा लिया है, आखिर में हमने इसे इसमें घी डालेंगे ना, तो अच्छी सी चमक आएगी बर्फ़ी में और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी ये बर्फ़ी। अब मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम कर दिया है, तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और अच्छी सी जमने वाली कंसिस्टेंसी आने देंगे। और आखिर में मैंने ये 2 चम्मच घी भी इसमें ऐड कर दिया है, कि आखिर में हम इसमें डालेंगे घी तो बहुत ही अच्छी सी चमक आएगी बर्फ़ी में और अच्छी सॉफ्ट बनेगी हमारी बर्फ़ी। तो अब हम इसे चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं तले से छोड़ रहा है, और अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है।
बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर मैंने इसे जमाने के लिए एक प्लेट ले ली है, उसको मैंने घी से ग्रेज कर लिया है कि ये बर्फ़ी जो है आसानी से बाहर आ जाए। अभी सारा मिक्सचर जो हमारा है बर्फ़ी का, इसे हमने पूरा इसमें डाल देना है प्लेट में। सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से टैप करेंगे, अच्छे से इसे प्लेन और चिकना कर लेंगे। इसे अच्छे से मैंने चिकना कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इसे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और पिस्ता डाल देंगे, तो इससे अच्छा सा लुक भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से अंदर दबा देना है और इसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। इसी तरह थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी जब ये और अच्छे से जम जाएगी तो हम इसे काटेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखा था और अच्छे से जम चुकी है, तो अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो जिस तरह से डोडो बर्फ़ी होती है स्क्वायर पीस में, तो मैं इसी तरह से स्क्वायर पीस में से कट करूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट हमारी जो डोडा बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। और ये देखिए कितनी आसानी से ये बाहर आ जाती है। इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में, हमारी डोडा बर्फ़ी बनके तैयार है। तो आपने देखा हमने किस तरह से बहुत ही जल्दी कम मेहनत में डिलीशियस डोडा बर्फ़ी तैयार की है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।